वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ वैल्यू की हम बात करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ वैल्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. कुछ बच्चों के ऊपर में डाउट्स आ रहे हैं, लाइक लीनियर प्रो एलएलपी के अकॉर्डिंग डाउट आ रहे हैं, तो वो सभी डाउट्स को मैं लास्ट में कवर करूंगा. अभी मैं चर्चा पे आ जाऊंगा तो टॉपिक स्पॉयल हो जाएगा, तो क्लास के एंड में इन सब चीजों पर बात करूंगा. अभी आप टॉपिक पे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में फोकस करेंगे, ठीक है? हाँ जी. अ डेब्ट ऑफ द 200 रुपीस ड्यू 2 years, hence are the another of the 500 रुपीस ड्यू इन 7 years, hence are to be paid off by a single payment 3 years hence. If rate of interest is 5% per annum effective, how much is this payment? अब आप में से कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में क्लियर करेंगे कि सर क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है? दो बातें बतानी है बस आपको. क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या चीज दी हुई है और क्या चीज आपसे पूछ रहा है, ये बात बता दीजिए आप मुझे. आप अपने अगर आप ऑडियो के थ्रू बताना चाहते हैं तो अपने हैंड को रेज कर सकते हैं, बट चलिए मैं बस समझाता हूं क्वेश्चन क्या है. एक बार आप पढ़ लो सही से. अ डेब्ट ऑफ 200 रुपीज ड्यू 2 years हेंस, इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ उधार लिया है, कुछ कर्जा लिया है, जिसको मुझे 2 साल बाद 200 रुपए चुकाना है ब्याज समेत. समझिए, एक पैसा उधार लिया है और 2 साल में मुझे 200 रुपए चुकाना है. कुछ इसको इस प्रकार से सवाल को समझिए. मैं हूं, मेरे हाथ में मैंने 2 यहां पे उधार लिए हुए, एक मैंने जो है उधार लिया हुआ है 200 रुपए. ये उधार 200 रुपए लिया नहीं है, मुझे 200 रुपए देने हैं. कितने साल में? इन 2 years. मुझे 2 सालों में देना है, ये मुझे पे करना है. और मैंने एक और उधार लिया और मुझे उधार लिया, मुझे पता नहीं कितने रुपए उधार लिया, लेकिन इतना कंफर्म है कि भैया 7 साल के बाद मुझे चुकाने जो है, पे जो करना है, 500 रुपीज पे करना है. डेब्ट है मेरे ऊपर, कर्जा है. 2 साल में मुझे 300 रुपए किसी को देने हैं और 7 साल में मुझे किसी को 500 रुपए देने हैं. जरा समझिए इस बात को, अलग तरीके से समझिए. 2 साल बाद मुझे किसी को 200 रुपए पे करना है. आफ्टर 7 years मुझे किसी को 500 रुपए पे करना है. क्लियर है? ये मुझे कुछ मेरे टारगेट्स हैं, कुछ मेरे डेब्ट्स हैं, तो जिसमें कि मुझे 2 साल के बाद 200 रुपए और 7 साल के बाद 500 रुपए मुझे किसी का उधार मुझे चुकाना है, देना है. ये प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट है. 2 साल बाद 200 रुपए पे करने किसी को ब्याज समेत, और 7 साल बाद किसी से जो भी लिया था, पता नहीं क्या लिया था, बट 700 रुपए उसको देने हैं, इतनी बात है. अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं बच्चे कि आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद मैं ये चाहता हूं कि मैं निल कर दूं, मतलब कि मैं डेब्ट को निल कर दूं. इसका मतलब क्या हुआ? डेब्ट को निल करने का मतलब, डेब्ट निल करने का मतलब क्या हुआ? 3 साल बाद जिसका जो बनता है सारा दे दू करके मैं फ्री होना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे लेकर के नहीं जाना चाहता इसको. तो सवाल यह है कि 3 साल बाद मैं डेब्ट को फ्री करना चाहता हूं, तो सवाल यह कि 3 साल बाद मुझे कितनी पेमेंट कर देनी चाहिए जिससे कि मेरा, मैं जो है डेब्ट मेरा खत्म हो जाए 3 साल बाद. तो जाहिर सी बात, आप इस बात को समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2 साल बाद 200 रुपए देने हैं. अगर मैं 3 साल बाद अपने डेब्ट खत्म कर रहा हूं, किसी को कुछ भी पे नहीं कर रहा, जो भी पे करूंगा 3 साल बाद पे करूंगा और 3 साल बाद डेब्ट खत्म कर दूंगा, तो जरा समझिए, 2 साल बाद 200 रुपए देने बनते हैं. अगर मैं 3 साल बाद डेब्ट खत्म करता हूं तो उसको 200 रुपए देंगा तो बात नहीं बनेगी, उसका पैसा 1 साल और यूज हो जाएगा. समझिए, उसका पैसा 1 साल और यूज हो जाएगा, तो मुझे उस 200 रुपए पर 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा. क्योंकि ये तमन्ना हुई थी कि 2 साल बाद 200 रुपए दे दूंगा, बट मैं 3 साल बाद डेब्ट खत्म कर रहा हूं, तो ये 200 रुपए पर 1 साल का मुझे ब्याज और उसको फिर देना पड़ेगा. तो 200 रुपए
हेलो। देखिए 200 रुपए, इस पे मुझे कितने का ब्याज देना पड़ेगा? 200 रुपए में मुझे 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज देंगे तो 200 रुपए प्लस इस पे 1 साल का ब्याज देंगे तो 5% 0.05 और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल आगे के ब्याज देंगे। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब मैं पैसा तीन ये पैसा 5 7 साल बाद देना था, 500 रुपए, ये 500 रुपए 7 साल बाद देना था, लेकिन जब मैं 3 साल में ही पैसा चुका दे रहा हूं तो मैं क्यों फिर 500 रुपए उसको दूं? क्योंकि 500 रुपए तो 7 साल के बाद बनता था उसका। जब मैं 3 साल बाद चुका रहा हूं तो मुझे पैसा 500 देने की आवश्यकता नहीं, उसे कम दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। 700 रुपए 500 रुपए 7 साल बाद था, मैं 3 साल बाद चुकाना है, तो उसमें से मुझे 4 साल का इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा। 4 साल मुझे पहले आना पड़ेगा, तो 4 साल पहले आना पड़ेगा, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। समझे? तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा अमाउंट जो है 700 रुपए 500 रुपए 1 प्लस ये 7 साल, 3 साल बाद देना है, लेकिन ये पैसा 7 साल बाद ड्यू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उस 7 साल से 3 साल पे आने के लिए, समझिए जरा, 1 2 ये है ना, मैं 3 साल बाद दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा ड्यू है ये 7 साल के बाद का है, तो मुझे इसको यहां पर लेकर आना पड़ेगा इस पैसे को। तो मुझे 4 साल बैक में आना है, ये मुझे देना था जो 500 रुपए, बेसिकली इसको 4 साल मुझे बैक में लेकर आना पड़ेगा। मैं क्यों उसको 500 रुपए दे दूंगा, वो तो 7 साल का था। ठीक है, तो 4 साल, तो पता लगा 4 कहां से आया, तो यहां पर आपके पास में पावर आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आई बच्चे? तो प्लस कर दो बस, आपका ये हिसाब लगता है कि आपको 3 साल बाद इस पे 1 साल का ब्याज दे दो, उस पे 4 साल का ब्याज निकाल लो। निकालने में होता है प्रेजेंट वैल्यू। आप सॉल्व करेंगे 200 1.05 प्लस 500 1.05 रेस टू पावर 4। आप भैया अपने कैलकुलेटर को थाम लीजिए, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 200 इंटू 210, अब यहां पे देखो 500 अपॉन 1.05 इंटू 1.05 पावर 2 पावर 3 पावर 4। तो क्या है आपका 1.2155। तो 210 प्लस डिवाइड करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1.2155, तो 411.35। 100 प्लस करेंगे इसको 210, तो कुल मिलाकर के भाई साहब आप ऐसा करें 621.35 आप दे दें, 3 साल बाद आप आपका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, बताइए जरा, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आज आपको करने हैं। डिस्काउंट का एक टॉपिक रह जाएगा, फिर हम एन्युटी पे आ जाएंगे। एन्युटी का सवाल आपका पेपर में आता ही आता है, एक प्रेजेंट वैल्यू ही आपका एन्युटी होता है बेसिकली, वो कैसे यूज करना है वो आ गया एन्युटी में पता लगेगा आपको, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहने वाला, सबसे आसान अगर आपके लिए रहने वाला है कुछ भी तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस रहने वाला है। तो मैं तो आपको फिर ये एडवाइस करूंगा कि पक्का पक्का क्या करना है, जो पक्का पक्का हो आपका अच्छे से, जिसको आप कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 मैथमेटिक्स तो फाइनेंस, 3 टॉपिक कैलकुलस से रिलेटेड आपके एग्जाम में, 3 5 में से 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट रहेंगे रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 2 तो रहेंगे रहेंगे। हेलो।
और आपके पास में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्वेश्चन आपका एक पूरा का पूरा रहेगा, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। तो तीन क्वेश्चन आप पेपर के अंदर आपके रेंज में आ जाएगा। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग और एक आपके पास में रह गया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन, डिटरमिनेंट तो ऑलमोस्ट आप पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपका पांच में से पांच अटेम्प्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन टफ आता है तो उसका ऑप्शन वाला इजी जरूर रहता है, दोनों टफ नहीं होते। इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस पे 500 रुपीज एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, ये प्रॉमिस करा हुआ है कि भैया आपको 500 रुपए हम 10 साल में देंगे। अ पर्सन एग्रीज टू पे 100 रुपीज नाउ, 200 रुपीज एट द एंड ऑफ द 6 ईयर एंड द फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ द 12 ईयर्स। तो एक व्यक्ति ने अभी कहा था कि भैया 10 साल में, 10 साल बाद भाई साहब आप मुझसे 10 साल बाद 500 रुपए ले जाना। ये बात तय तमन्ना हुई कर ठीक है भाई साहब, ब्याज व्याज समेत 500 रुपए मेरे बढ़ते हैं, 10 साल बाद आके ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, मैंने 100 रुपए पकड़ा दिए उसी समय, 200 रुपए फिर एट द एंड ऑफ द मैंने 6 ईयर पकड़ा दिए, 6 साल बाद पकड़ा दिए 200 रुपए उसको मैंने, और अब फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ द 12 ईयर। बाकी जो पैसा था उसको फिर मैंने 12 साल के बाद, 10 साल बाद दिया नहीं, फिर मैंने 12 साल बाद उसको चुकता करके खत्म करा। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 2% पर एनम इफेक्टिव, व्हाट शुड बी द फाइनल पेमेंट बी। तो फाइनल पेमेंट क्या होगा, चलिए जरा करें इस क्वेश्चन को आप। डन। देखिए सबसे पहले आप समझिए इस बात को, समझने की कोशिश कीजिए सवाल क्या है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं जो भी पैसा उधार लिया है ब्याज समेत 10 साल बाद 500 रुपए लौटा दूंगा, ये स्टेटमेंट एक है। अब हुआ क्या उसके ऊपर बात समझिए। ये तो प्रॉमिस हुआ था लेकिन इस प्रॉमिस के हिसाब से चले नहीं हम। हाँ, ब्याज ईमानदारी से चुकाया है आपका, उसमें कोई गलती गड़बड़ नहीं करी है, और थोड़ा देने के तरीके में थोड़ा चेंजेस आ गया। वो क्या चेंज आया, तय तमन्ना हो गई थी कि मैंने फिर 100 रुपए बोला लो यार 100 रुपए ले लो तुम, कुछ खत्म तो होगा। 6 साल बाद गया और 6 साल बाद जाकर के फिर मैंने उसको 200 रुपए बोला यार और लो 200 रुपए लो, कुछ तो कर्जा उतरेगा। और फिर मैं 10 साल का प्रॉमिस तो टिका नहीं था कि 10 साल बाद पैसे आपके लौटा दूंगा 500 रुपए। फिर मैं 12 साल बाद, फिर मैं टोटल 12 साल के बाद की बात है कि मुझे और कितना पैसा उसको दे देना चाहिए जिससे कि उस मेरा कर्जा उससे खत्म हो जाए। तो जरा आप इस बात को समझिए कि 100 रुपए मैंने पहले, तो ये 500 रुपए 10 साल में क्रिएट होता है मेरा, समझिए इस बात को। 500 रुपए तो 10 साल में क्रिएट होता है, लेकिन 12 साल तक लेके जाऊंगा अगर मैं अपना उधार, तो 10 साल के बाद 2 साल मेरा पैसा, अगर 12 साल उधार लेके जाऊंगा तो 10 साल के बाद मुझे 500 चुकता करना था। बट जब 12 साल की बात कर दूं मैं तो कितने बनते हैं मेरे देने, तो 2 साल के मुझे और देना पड़ेगा उसको पैसा, 2 साल का पैसा। भाई 10 साल की बात है नहीं, तो 500 मैं 12 साल बाद चुकता कर रहा हूं, तो इस बात को समझिएगा। तो मेरा कितना मेरे पे कर्जा आ जाएगा, टोटल कर्जा कितना हो जाएगा मेरे ऊपर, तो 500 पे 2 साल का कर्जा और हो जाएगा अगर बीच में ये पेमेंट वगैरह नहीं होगी, तो टोटल मेरा कितना जो है डेब्ट आ जाएगा। और 12 साल में पेमेंट करता हूं तो 10 साल में तो भैया 500 है ही, तो 2 साल का डेब्ट और आ जाएगा। जी 500 10 साल का डेब्ट है, 2 साल का और डेब्ट, तो कुल डेब्ट इतना बनता है 12 साल का, इतना मुझे लौटाना है उसको। क्लियर है, इतने पैसे मुझे उसको देने हैं। अब हुआ क्या, मैंने दिया कैसे, 100 रुपए दिए स्टार्टिंग में। तो जब मैंने 100 रुपए स्टार्टिंग में दे दिए उसको, तो आप इस बात को समझिएगा कि 100 रुपए का मुझे स्टार्टिंग में दे दिया मैंने जो भी लिया था, मैंने ये बात की थी कि 10 साल बाद आपको 500 लौटा दूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने 12 साल के बाद पैसा लौटाया तो वो 500 रुपए पे 2 साल का और ब्याज बनता है, तो वो पैसा मेरा इतना बनता है, कुल उसको इतने लौटाने हैं। ये बात हुई क्योंकि मैंने क्या करा शुरुआत में, ऐसे पेमेंट क्या करा शुरुआत में 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए मैंने भाई साहब, तो 12 साल का ब्याज कितना बनता है 100 रुपए का, जो कि मुझे देने नहीं है। 100 रुपए मैंने स्टार्टिंग में दे दिए हैं, तो स्टार्टिंग में दे दो 12 साल का ब्याज देख लो आपके हाथ में। क्लियर है, एक तो ये पैसा 100 रुपए अगर मैंने स्टार्टिंग में उसको दे दिया है तो 12 साल का ब्याज पे ये बनता है। 200 रुपए दिए हैं 6 साल बाद, तो 6 साल बाद दिए चलो ठीक है, लेकिन आगे 12 साल बाद पेमेंट करूंगा तो इस 200 रुपए पे अगले 6 साल का और कितना ब्याज बनता है। तो 100 रुपए
मैंने दे दिए, अगर नहीं देता तो 100 रुपए पर 12 साल का कितना ब्याज बनता? 200 रुपए 6 महीने बाद दे दिए, लेकिन 12 साल की बात करूं तो अगले 6 साल में कितना बनता? तो ये 100 रुपए मेरा इतना अमाउंट बनता, इतना उधार चढ़ता, ये जो 200 रुपए दिया मैंने चुका दिया, या अगले नहीं चुकाता तो अगले 6 साल में इतना डेब्ट होता। और फाइनली मैंने फिर जो और एक्स मैं उसको फिर देता 12 साल के बाद, फाइनल पेमेंट में एक्स करता। तो 100 रुपये पे 12 साल का, साथ में मेरा इंटरेस्ट समेत कितना बनता है? 200 रुपये मैंने पे कर दिया, अगले 6 साल में मेरा ब्याज समेत कितना बनता है? तो ये, और फाइनली फिर मेरा एक्स रुपीस, मेरा जो है बाकी जो पैसा बचता है वो एक्स रुपीस बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा अमाउंट बनता है ये कितना बनेगा? ये इसके इक्वेलेंट बनेगा। इस बात को समझिए, नहीं तो समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरे तरीका समझिए। सहमत है भाई? 500 रुपए पर आप सहमत हैं आप कि 500 रुपए जो 10 साल का डेब्ट था, अगर आपने 12 साल रख लिया तो आपको उसके ऊपर 2 साल का और ब्याज देना पड़ेगा। इतना टोटल 12 साल बाद लौटाने हैं आपने। लेकिन जब 100 रुपए आपने स्टार्टिंग में ही लौटा दिए तो क्यों उस 100 रुपए पर फिर आप 12 साल का ब्याज दोगे? माइनस करो। जब आपने 200 रुपए 6 महीने बाद लौटा दिए तो अब क्यों 200 रुपए पर, दो 6 साल बाद ही लौटा दिया आपने उन 200 रुपए को, तो अब वो 200 रुपए पे अगले 6 साल का ब्याज तो आपका बच ही गया। क्लियर है बच्चे? तो इसमें से पूरा 12 साल का, बट आपने ये पेमेंट शुरुआत में कर दी तो फिर ये ब्याज क्यों दोगे? ये इसमें से हटाओ ये 200 रुपए, फिर आपके 200 रुपए स्टार्टिंग में दे दी तो फिर 12 साल का ब्याज तो नहीं जाएगा ना, तो सब कुछ समेत है पूरा पैसा, तो ये क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। 200 रुपए 6 साल बाद दे दिया तो अगले 6 साल का क्यों जाएगा ब्याज? तो अगले 6 साल तक का वो बचेगा आपका, माइनस कर दो इसमें से, तो आपको पता लग जाएगा इतना बढ़ना था, इतना इतना तो आपका हटा दो, तो आपके पास में जो बचा वो फाइनल पेमेंट करके निपटाओगे 12 साल बाद। समझ में आया आपको? तो 500 1.02 की पावर 2 माइनस 100 1.02 आएगा, 02 200 1.02 की पावर 6 इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करते हैं, 1.02 मल्टीप्लाई स्क्वायर इंटू 500, 520.2 माइनस 1.02 इंटू 13 पावर इंटू और इक्वल्स टू, कैसे करे करें इस कैलकुलेटर में, इंटू एंड इक्वल्स टू दबाए करो। देखो जैसे 1.02 लिख दिया आपने, पावर 12 कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एंड इक्वल्स टू, ये नंबर आ गया 3 12 है ना, तो यहां पे एक आगे 13 आना चाहिए, तो हो जाएगा। बस इक्वल प्रेस करते रहो, आगे 13 तो बस, और ये हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है आपका? 126.82। ठीक है, उसके बाद सिमिलर 1.02 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 6 तो 7 का, और इंटू 200 सॉल्व करेंगे आप यहां पर इसको, तो आपके पास में आ जाएगा 520.2 माइनस 126.82 माइनस 225.23 168.15। भाई साहब ये फाइनल पेमेंट बनती है, इसको दे और फिर ही हो जाओ। क्लियर है? 168.15। ठीक है जी, समझ में आई कहानी? चलो इतना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर आप। गुड मॉर्निंग जी।
हाँ जी डन बच्चों। क्वेश्चन देखें, अ डेब्ट ऑफ 5,000 ड्यू 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, भाई 5 साल के बाद आपने 5,000 रुपये चुकाना है, एंड 5,000 ड्यू 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और 10 साल बाद 5,000 रुपये आपको और चुकाने हैं। नाउ इज टू बी रिपेड बाय अ पेमेंट ऑफ 2,000 रुपीज इन 2 ईयर्स, भैया 2 साल में आपने 2,000 रुपये पे कर दिया, अ पेमेंट ऑफ 4,000 रुपीज इन 4 ईयर, 4 साल बाद आपने फिर 4,000 की पेमेंट कर दी, एंड अ फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर, आपने डिसाइड कर लिया कि 6 साल बाद ही पैसा सारा निपटा देना है हमें। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कंपाउंड एनुअली, हाउ मच इज द फाइनल पेमेंट। चलिए करें जरा इस क्वेश्चन को। और आंसर आया तो अपना आंसर भेजें। एक था आपके मेरे पास में दो तीन मैसेज आए हुए थे, एक तो आया था कि सर शिवदास का सॉल्यूशन दे दो, मैं चलिए आपके टॉपिक पे बात कर ही लेता हूं, अगर आप लाइव है तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक तो आपका मैसेज आया था कि सर शिवदास का सॉल्यूशन दे दो, सुनो पहले आप सही बच्चों सुन लो, एक था कहाँ है, एक आपका आया था कि सर शिवदास का सॉल्यूशन दे दो। बच्चे किसी भी किताब का सॉल्यूशन की पीडीएफ हम आपको नहीं दे सकते हैं, ये इलीगल काम होता है, किसी भी किताब को स्कैन करना उसके पीडीएफ बनाकर करके देना, ये दुनिया में हर बहुत काम हो रहे हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बट उसका पार्ट हम नहीं है। तो ये आपको शिवदास की किताब को खरीदना पड़ेगा, जिस राइटर ने मेहनत करी है किताब को बनाने में, जो कंपनी पेज छाप रही है, जो वो लेबर को पेमेंट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही है, मकान का रेंट दे रही है, उसके बाद वो 50, 60, 70, 80 रुपए की एक किताब बना करके आप तक पहुंचा रही है, रिसर्च कर रही है, रिसर्च टीम है, और 3, 4, 5 साल के पेपर उसमें डाल रही है, क्वेश्चन कलेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन डाल रही है, उसके बदले में 80-100 रुपए वो आपसे मांग रही है, तो आप उस चीज को बाय करें, 80-100 रुपए उसकी जो मेहनत है जिसमें वो ठन्नी चमन्नी कमा रही है एक किताब के ऊपर, आप उसको वो पे करें। उसके मैं पीडीएफ बना करके फ्री में मैं व्हाट्सएप पे ये चीजें मैं नहीं कर सकता, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, ठीक है, पहली बात तो आप ये कंफर्म कर लें। हर बच्चा ही बोलता है सर उस बुक की पीडीएफ दे दो, क्यों उस बुक की पीडीएफ दे दें भाई? अब इस तरीके से किसी किसी किताब की पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बना करके हमने इस चीज को डाल दिया, जो किताब भी कंपनी, उसको नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ, वो कंपनी बंद हुई, जो उसमें लोग बेरोजगार हुए, अगर उसमें आपके घर वाले नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता आपको इस चीज से, तो ये काम नहीं होगा, पहली चीज तो आप ही सुन लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, एक आपने मुझे ये कहा कि सर प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लाइव क्लास, 1500 बच्चे हैं और आप अपने डाउट्स को कुछ इस तरीके से पूछोगे, देख लो कि इस क्वेश्चन को मैं लाइव क्लासेस में सॉल्व करवा दूं, 1500 बच्चे हैं, हर किसी के 700 800 600 डाउट आते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा 1 घंटा लगेगा, तो मैं 24 घंटे में 600 घंटे कहां से लेकर के आऊं? आपको इसमें क्या टॉपिक में क्या कॉलम क्या आया समझने में, आपका काउंटर क्वेश्चन क्या है, आप वो चीज पूछेंगे ना ऑडियो मैसेज के थ्रू। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में, सर लीनियर प्रोग्रामिंग के सिलेबस को लेकर काफी डाउट है सर, प्लीज आप एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग के सिलेबस की SAM 3 की। हाँ, तो ये आपका डाउट जेन्युइन डाउट है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सिलेबस में जैसे डेट शीट भी आपकी चेंज हुई है, तो सिलेबस भी बीच में कई बार जो है थोड़ा सा उसमें बढ़ता तो नहीं है, कुछ चीजें कट जाती हैं लाइक ग्राफिकल मेथड, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लास्ट टाइम भी ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आ गया था कटने के बाद भी, इसलिए ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन में मैंने डाला हुआ है। ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, एक एक सिंप्लेक्स मेथड पे फोकस होता है, और सिंप्लेक्स मेथड के ऑप्शन में थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, क्लियर है, और एक क्वेश्चन आपका ग्राफिकल मेथड पे आपका 3.5-4 नंबर का डाल देता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल मेथड भी आपके एग्जाम में आएगा, सिंप्लेक्स मेथड आएगा, और उसकी थ्योरी में भी आपके पास में चीजें आएंगी।
हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए देखते हैं किस जीनियस ने इस क्वेश्चन को किया है अटेम्प्ट। इस समय मेरा सारा का सारा फोकस है आपके सिलेबस को वाइंड अप करने पे, और दूसरे नंबर पे मेरा फोकस होगा आपके प्रीवियस से 10 ईयर में से क्वेश्चन को करवाने की। और मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा फिर इरिटेशन होती है कि अगर मैं कैलकुलस स्टार्ट करवाता हूँ, कैलकुलस करवाता हूँ, तो आप फिर मैट्रिक्स 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 की रट लगा लेते हैं, और जब फिर मैं मैट्रिक्स करवाता हूँ तो फिर आप कैलकुलस 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 के ऊपर कूद के पहुंच जाते हैं। जब मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर आप लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, और इसको मैं अभी बंद करके लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू कर दूं तो फिर आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे। तो अगर मेरे पास में एक बच्चा नहीं है जो एक बातें होंगी, मेरे पास में बच्चे जो है हजारों की संख्या में है, सबकी बच्चों की बात अगर मैं सुनने लग गया तो कोई भी स्टूडेंट जो है उसका सिलेबस और सही से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चलता बिल्कुल अपने हिसाब से, और आगे के लिए भी इस बात को अपने माइंड में रख लीजिएगा, मैं चलूंगा अपने हिसाब से। सिलेबस को अच्छे ढंग से फुल और कंप्लीट सिलेबस कवर करवाना मेरी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया तो आपका सब कुछ अपने आप कंप्लीट हो जाता है। दूसरे नंबर पे सिलेबस अगर हमारा 20 दिन 15 दिन पहले खत्म होता है तो लास्ट के 15 दिन हम 10 ईयर पे डिस्कशन, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मेरा फोकस रहता है। इसमें सभी बच्चों की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स को हम जो है कवर कर लेते हैं, और जब जो चल रहा होता है आप उस चीज के ऊपर फोकस करें, और जो आप कर सकते हैं पीछे में आप उन चीजों को आप फिलहाल कवर करें। देखिए बच्चे, अ डेब्ट ऑफ 5,000 रुपीज ड्यू 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो सवाल यह है कि भैया आप जो है 5 साल के बाद आपको 5,000 रुपये चुकाने हैं, किसी के चुकाने हैं मतलब ब्याज समेत, और 10 साल बाद अभी आपको एक और 5,000 रुपये चुकाना है ब्याज समेत, लेकिन आपने ये ठान लिया कि भैया 6 साल में मुझे मामला सेटल करना है, तो समझिए क्या हुआ। तो ये जो 5,000 रुपये आपने 5 साल में चुकाना है, और आपने ये मान लिया कि भैया मुझे 6 साल में मामला सेटल करना है, तो समझिए ये जो 5,000 रुपये है इसको 5 साल में चुकाना है, बट आपने 6 साल का सोच लिया, तो इस 5,000 रुपये पर आपको 1 साल का ब्याज और देना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में सेटल करना था, 6 साल में आप करने जा रहे हो, तो आपको फिर 1 साल का इस पर ब्याज और बनता है। सहमत है? ठीक है। 5,000 रुपये आप 10 साल में चुकाने वाले हो लेकिन 6 साल में ही सेटल कर रहे हो, तो भैया उस पे फिर आपका 4 साल का क्यों ब्याज दोगे? तो उस 5,000 रुपये से आपको 4 साल का ब्याज निकालना है, क्योंकि 10 साल बाद आपको 5,000 रुपये करना था, लेकिन आप 6 साल बाद ही सेटल कर रहे हो पैसा, तो 6 साल बाद ही पे कर रहे हो, तो क्यों 5,000 रुपये दोगे उस पे? वो तो 10 साल के बाद बनता आपका 5,000 रुपये, तो उसमें से 4 साल पीछे आना पड़ेगा, पीछे को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो 4 साल पीछे आना है ना, 6 साल बाद सेटलमेंट कर रहे हो, तो इस 5,000 रुपये पर प्रेजेंट वैल्यू -4। ये आपने अगर 6 साल बाद अगर आप सेटल करते हो ना बच्चे, 6 साल बाद सुन लो सेटल करते हो, तो एक तो आपको ये पे करना पड़ेगा, और एक आपको ये पूरा 5,000 रुपये नहीं करना पड़ेगा, 5,000 से कम बैठेगा ये, आपको ये आपको पे करना पड़ेगा, 6 साल बाद आप फ्री हो जाओगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा कि 6 साल बाद इकट्ठी पेमेंट करी है, आपने ऐसा नहीं करा, आपने बीच बीच कुछ पेमेंट करी है। आज सुनिए वो क्या पेमेंट थी आपकी, अगर आप इकट्ठे 6 साल बाद पेमेंट करते, बीच में कुछ भी नहीं करते, तो कहानी ये थी, इसी खत्म थी कहानी, जो पहला क्वेश्चन में सिमिलर ऐसा ही करा, और बीच में कुछ पेमेंट करते रह गए, तो फिर जब बीच में पेमेंट कर दी तो उसका ब्याज आप क्यों भरोगे फिर उसका, पैसा फिर आप इसमें निकालोगे ना। तो बीच में कुछ पेमेंट करी है आपने, कब करी है? फ्रॉम नाउ हिज टू बी रिपेड बाय द पेमेंट ऑफ 2002 ईयर। भैया 2,000 रुपये 2 साल बाद ही भर दिए, तो फिर अगले 4 साल का ब्याज इसमें लगा पड़ा है ना, उस 2,000 रुपये पर, उसको निकालो पैर, वो 2,000 रुपये आपने 2 साल बाद ही दे दिए, तो 2 साल 6 साल का मैंने हिसाब बिठा दिया यहाँ पर, इतना देना है, तो 2 साल बाद ही दे दूंगा, तो फिर वो 2,000 रुपये मेरा 4 साल तक आगे क्यों जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो माइनस करो वो 2,000 रुपये, 1 + 0.07, ठीक है बच्चे। और उसके बाद एंड 4,000 इन अ 4 ईयर, तो 2 साल बाद दे देना 2,000 रुपये, तो 4 साल रहेगा ना, 2 ईयर, और अगले 4 साल बाद मैंने 4,000 रुपये और पे कर दिए, तो ठीक है पे कर दिया, बट मैं 6 साल का सेटलमेंट रख रखा है मैंने, तो फिर 2 साल का मेरा और क्यों जाएगा इस पे, जो मैंने पहले ही पे कर दिया है 4 साल में, तो 2 साल वाला क्यों रह गया? तो 4,000 रुपये पर 1 + 0.07, 4 साल के बाद तो पे कर दिया, ठीक है अच्छी बात है, पर 2 6 साल का सेटलमेंट है, तो 2 साल वाला मैं तो उसमें 6 साल का हिसाब लेके बैठा हूं, तो 2 साल वाला इसमें से निकालना पड़ेगा। क्लियर है?
तो ये पैसा इसमें से मैंने इतना बनते थे उसके, इतने मैंने निकाल देता हूं, तो बाकी जो बच गया वो देना रहता है मेरा 6.5 साल में। अब आप सॉल्व करेंगे इसको। -4 कैसे आया ये पूछ रहे हैं ना आप। हाँ ठीक है, तो बच्चे देखें ये होता है डाउट, इसे बोलते हैं डाउट का तरीका कि -4 कैसे आया। कि आप एक चीज पूछेंगे डाउट में, आप किसी क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजिए, उसमें ये चीज कैसे आई ये पूछिए आप। अब देखिएगा बच्चे, -4 आपका कैसे आया। देखिए मैंने तो ये कहा था कि 5,000 10 साल में दूंगा, ठीक है, और पैसे को 6 साल में सेटल कर रहा हूं, तो फिर 6 साल में सेटल कर रहा हूं, तो फिर 5,000 तो नहीं देना बनता ना मेरा, क्योंकि वो 10 साल का पेमेंट 10 साल बाद देता, 10 साल का ब्याज समेत 5,000 रुपये होता। जब तो 6 साल में सेटलमेंट कर रहा हूं तो 5,000 क्यों दूंगा, थोड़ा कम दूंगा ना, फिर ब्याज 10 साल का क्यों भरूंगा मैं आपको, बताओ जब 6 साल में पैसे दे रहा हूं। तो मुझे वो जो 5,000 10 साल में मेरा क्रिएट हो रहा था अमाउंट, उसमें मैं मुझे 4 साल पीछे आना पड़ेगा, और पीछे आने को ही हम बोलते हैं परसेंट वैल्यू। परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 6 साल बाद देना है और 10 साल वाला ये है, उसको मुझे 4 साल पीछे खिसकाना है, तो पीछे खिसकाने को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में पावर माइनस हो जाती है। ये प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक लास्ट क्लास हमने पढ़ा है। सामर्थ अग्रवाल क्लियर है। हाँ जी सामर्थ बताइए क्लियर है या नहीं है। पांच हजार गुणा 1.07 50, ठीक है बच्चे। देखिएगा 1.07 एंड मल्टीप्लाई बाय 5,000, ठीक है। अब ये क्या होगा आपके पास में 5,000, और आपके पास में अपॉन 1.07 raised to power 4। पावर जब भी नेगेटिव होता है ना वो बेस चेंज हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, बाकी आगे करते रहिए कोई बात नहीं। 2,000 सॉल्व करते हैं, 1.07 की पावर 4 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एंड मल्टीप्लाई बाय 2,000 माइनस 2,621.59, ठीक है बच्चे। माइनस 1.07 मल्टीप्लाई बाय 4,000, 1.07 मल्टीप्लाई बाय एंड मल्टीप्लाई बाय 4,000, ये सॉल्व करते हैं। 1.07 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, 53,50 प्लस 5,000 अपॉन 1.31 माइनस 2,621.59 माइनस 4,579.6। आगे सॉल्व करेंगे आप, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.31 सर। देखो ये पैसा ना आपको 5,000 नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप 6 साल बाद चुकाते हो, तो आपको ये पैसा 3,816 रुपए ही देने पड़ेंगे, वो तो 10 साल का ब्याज समेत बनता 5,000 रुपए। 2,621.59
4579.6। फाइव थ्री वन सिक्स पॉइंट सेवन नाइन प्लस थ्री एट वन सिक्स पॉइंट सेवन नाइन माइनस टू सिक्स टू वन पॉइंट फाइव नाइन माइनस फाइव थ्री वन सिक्स पॉइंट सेवन नाइन प्लस थ्री एट वन सिक्स पॉइंट सेवन नाइन माइनस टू सिक्स टू वन पॉइंट फाइव नाइन माइनस फोर फाइव सेवन नाइन पॉइंट सिक्स। तो आपका फाइनल पेमेंट बनता है 1932.39 भैया। ये दे करके आपको 6 महीने बाद आजादी मिल जाएगी अगर आपने बीच में कुछ पेमेंट कर दी है तो। निहाल हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ही नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा था कि वो जो 5,000 रुपए है ये एज अ अमाउंट और प्लस ये अमाउंट है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और इस पे भी मिलेगा आपको 1 साल का। और मैंने प्रिंसिपल नहीं ढूंढा, अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं अमाउंट पर मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडेड। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेटर में, देख लेते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, पाँच हजार गुणा 1.07 53,50 आएगा। ये मैंने पता गड़बड़ कहाँ कर दी, जहां पे ये इसको लिखने में गलती कर दी ना मैंने, 53,50 था ना, गलत उतार लिया मैंने। ठीक है आप कर लेना। आप 5,000 डिवाइडेड बाय 1.31 3816, ठीक है 53,50 प्लस 3816.79 माइनस 2621.59 माइनस 4579.6 हाँ 1965.6। क्लियर है, ये आपका आंसर है।
डन बच्चों, यार क्लासेस तो बहुत देर से चल रही है, लेकिन इसमें टाइमिंग सिर्फ आ रहा है 20 मिनट। ऐसा अच्छा कैसे भाई, यहाँ पे होने हैं 12 लगभग। चलिए जरा इस क्वेश्चन करो। क्लासेस इतनी कम क्यों दिखा रहा है? कितनी क्लासेस दिखा रहा है आपने, आपके फोन में बच्चे, अभी तक जो क्लास हुई है? नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हो, पच्चीस मिनट की क्लास हो चुकी है आपकी। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लो ये। देखो बच्चे, द सम ऑफ 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज आर ड्यू एट द एंड ऑफ द 2, 4 एंड 8 ईयर। बच्चे समझिए जरा, आप हैं एक तो आपको 2 साल बाद कुल मिलाकर के एज अमाउंट के फॉर्म में क्या पैसा उधार लिया था मुझे नहीं पता, अमाउंट के फॉर्म में आपने 2,000 रुपए एक पार्टी को चुकाने हैं, और आप एक और पार्टी है जिसको आपको 4 साल के बाद आपने उसको 3,000 रुपये ब्याज समेत चुकाना है। ये आपके कुछ कर्जे हैं। एक पार्टी और है जिसको आपने 8 साल के बाद आपको 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, आप सॉरी 4,000 रुपये आपने चुकाना है। ये सब क्या है, अमाउंट है आपका, क्या उधार लिया है तो कहानी नहीं पता, बस एक पार्टी को 2,000 रुपये देना है 2 साल बाद ब्याज समेत, उससे फ्री हो जाओगे। अगली पार्टी को 4 साल बाद देना है ब्याज समेत 3,000 रुपये, उससे आप फ्री हो जाओगे। एक और पार्टी है इसको आपको 8 साल बाद जाकर के 4,000 रुपये चुका देना, आप उससे फ्री हो जाओगे। ठीक है, और हुआ क्या कि आपने एक सिंगल पेमेंट करा कुछ समय बाद 9,000 रुपये का, कुछ समय बाद 9,000 रुपये सिंगल पेमेंट करा और आप कर्जे से मुक्त हो गए हो, तो सवाल है कि वो समय क्या है। तो सबसे पहले आप इस बात को जरा समझिए, एक समय बाद आपने 9,000 रुपये का पेमेंट करा, मैं मानता हूं वो समय आपका कर लेते हैं वो एन है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है क्या? हाँ 10% दिया हुआ है। तो आप इस बात को जरा समझें कि आप 9,000 रुपए क्या है आपके पास में एज अ अमाउंट है जो कि आपने पे करा था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस 9,000 रुपए आपने एज अ अमाउंट पे कर लिया और आप कर्जे से फ्री हो गए, मैं चाहता हूं कि इस अमाउंट में से सारा ब्याज डिडक्ट कर लूं। ये 9,000 रुपए देने से पहले आपने उधार लिया कितना था, याद है आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था? एक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको प्रेजेंट वैल्यू की बात, जहां पे मैंने कहानी बताई थी कि 1,000 रुपए मेरा 1,331 रुपए हो गया था 3 साल में 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं चाहता हूं कि भैया विदाउट इंटरेस्ट ये पैसा मेरा, अगर 3100 इंटरेस्ट पे किया स्टार्टिंग में पैसा था कितना, मैं जानना चाहता हूं। तो फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, इसी को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, जब किसी अमाउंट को आप प्रिंसिपल पर पहुंचा दो, किसी अमाउंट में से ब्याज को आप हटाते चले जाकर पीछे जा रहे हो, इसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर ये जानना चाहता हूं, 9,000 रुपये तो मेरा अमाउंट है, 9,000 रुपये तो मेरा अमाउंट है बच्चे, नौ हजार तो मेरा अमाउंट है, मैं चाहता हूं कि इसे ब्याज व्याज मैं हटा दूं, एन एन टाइम्स के बाद 9,000 रुपये पे करा। मैं चाहता हूं कि यार ये स्टार्टिंग में मैंने उससे उधार कितना लिया था ये बात करो, 9,000 रुपये टोटल मेरा जो बनता था उसका मैंने 9,000 रुपये चुकाया, तो 1 + 0.10 और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, माइनस एन कर देता हूं, इससे क्या होगा 9,000 रुपये अमाउंट के फॉर्म में चुकाया ना,
अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, बस पावर को नेगेटिव कर देता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली मैंने इसे लिया कितना था, तो ये मेरा आ जाएगा। अब मेरी बात समझिए, ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा कि मैंने इससे इतना उधार लिया था। अब समझिए 2000 रुपए तो मुझे एज अ अमाउंट चुकता करना है ना, लेकिन अगर इसमें से ब्याज निकाल दो तो फिर मेरा वो प्रिंसिपल आता कितना बनता था, तो 1 + 0.10 - 2। मैं ब्याज निकाल रहा हूं एज अ प्रिंसिपल, ये एज अमाउंट, एज अ प्रिंसिपल कितना चुकता करना था इसका, इसका एज अ प्रिंसिपल कितना चुकता करना था, 1 + 0.10। 4 साल में इतना अमाउंट हो रहा था, तो माइनस कर देता हूं 4, तो इसका एज अ प्रिंसिपल कितना बनता था, अगली पार्टी को 4000 चुकाने हैं, इससे लिए कितने थे मैंने, 4000 1 + इससे लिए कितने थे मैंने, -8। क्लियर है बच्चे? तो इस पार्टी को इतने देने हैं, बट लिए कितने थे, इससे कितने लिए थे, इससे कितने लिए थे, तो कुल मिलाकर के मेरे पास में प्रिंसिपल कितना था, और कुल मेरे पास में प्रिंसिपल मेरे जो उधार लिया, कुल मिलाकर मैंने उधार कितना लिया था, ये बराबर होगा। इस बात को समझे या नहीं समझे, क्लियर है कि भैया 2000 तो ऐसा अमाउंट चुकाना है ना, बट उसे लिया क्या था मैंने उधार, उसे प्रेजेंट वैल्यू, 3000 रुपए एक पार्टी को तो चुकाना है ना ऐसा अमाउंट 4 साल बाद, पर लिया कितना था प्रिंसिपल, लिया कितना था प्रिंसिपल, तो टोटल मैंने उधारी कितना लिया था, देंगा क्या वो तो पता ही है, लिया कितना था वो बताइए। और यहाँ पर फिर मैंने 9000 रुपए ऐसा अमाउंट चुकाया, तो ठीक है भैया एन टाइम के बाद, तो फिर मैं कहता हूँ मैंने लिया कितना था, तो इतना लिया था वो इतने के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप बस लगे रहिए, 9000 1.10 - n = 2। अब आप सॉल्व करेंगे तो 2000 upon 1.1 - 2, 3000 1/1 - 4, 4000 1.1 - 8। ₹9000 1.10 - n = 2। अब आप सॉल्व करेंगे यहां पर, ₹2000 upon 1.1 - 1.21 + 3000 1.4641 4000 upon 2.1435। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे इसको आप, नाइन थाउजेंड 1.10 - n = 2। सॉल्व करेंगे आप इसको, 2000 / 1.21 1652.89, 3000 / 1.4641
ये 11:49 है और ये टाइम हो रहा है 50। चलो ठीक है, अभी की बात है ना। अब आ रही है। हेलो, क्लियर है बच्चों को डाउट? तो बच्चे आज की क्लासेस में हमने ये टॉपिक फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अगली कक्षा में हमारा टॉपिक होगा एक डिस्काउंट का टॉपिक आपका बनता था। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है, मामूली सा टॉपिक है, 2-3 सवालों का टॉपिक है बस, डिस्काउंट का। और डिस्काउंट है, उसके बाद फिर आपका एन्युटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एन्युटी 3 से 4 क्लासेस लेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एन्युटी। तो आपके पास में एन्युटी की क्लासेस चलेंगी, 4-3 क्लास चलेंगी और एन्युटी पे चीजें फिनिश हो जाएंगी आपकी। उसके बाद फिर बॉन्ड सिंकिंग फंड के 2-4 क्वेश्चन होंगे, इसको करेंगे हम। आज 8 तारीख हो गई है, 15 तारीख तक मुझे आपका सिलेबस खत्म करना है। ये चीजें भी तय हैं, डिसाइडेड हैं ये चीजें भी। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। log 6 इसकी वैल्यू निकालेंगे ना बच्चे, कहां पर है आपके पास में ये? तो लॉग के टेबल में आप देखोगे तो 61 पे 8 और उस पर 6 लॉग टेबल दिखाया था, लेकिन इसमें तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक डिजिट तो माइनस करते हैं ना, इसमें से एक माइनस नहीं करते हैं आपका। जैसे 3 है तो फिर 2 लिखते हैं, इसी तरीके से है।